हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो चैप्टर 5 कंटिन्यूटी है उसका तीसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं कंटिन्यूटी की 2 वीडियोज दे चुका हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उन 2 वीडियोस को देखिएगा, जिससे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों, अगर आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको जब ही मिलेगी जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास 12th के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो लगभग सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, उनके एक एक टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना ये थर्ड लेक्चर, जिसमें क्वेश्चन है लेट fx equals to 1 minus cos 4x upon x square if x is less than 0, x equals to 0 पे a और x is greater than 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है, जिससे फंक्शन आपका क्या हो जाए, कंटीन्यूअस हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले फाइंड करते हैं LHL एट x इक्वल्स टू 0। LHL के लिए क्या होगा, मैंने आपसे बताया था कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो पॉइंट एनलार्ज होता है किससे, वेरिएबल x से। यानी वो रूल वर्क करेगा LHL निकालने के लिए जिसमें x लेसर होगा 0 से। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, और क्योंकि आपको रूल कौन सा वाला वर्क कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 पे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसके लिए ये वाला रूल आपका वर्क कर रहा है, क्योंकि x लेस देन 0 इसी वाले रूल में है। तो इस वाले रूल को आप जो है वो यहां पर फंक्शन को रिप्लेस कर दीजिए, 1 माइनस cos 4x upon x square लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा, cos 2a equals to 1 minus 2 sin square a, जो कि क्या करता है एंगल को हाफ कर देता है। तो cos के साथ एंगल क्या 4x, उसको हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, तो 2 sin square 2x upon x square, 1 से 1 cancel, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x upon x square, लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है और रेस्ट्रिक्शन x पे है तो कांस्टेंट को तो लिमिट साइन से बाहर एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हो गया sin 2x upon x का होल स्क्वायर। और अगर आपको जो है वो रिजल्ट बनाना है तो रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट कहता है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 sin x upon x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन के साथ जो एंगल होना चाहिए वही डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, तो आपने क्या किया 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब ये जो 2 का स्क्वायर है 4 ये आ जाएगा बाहर, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 into 4। और लिमिट एक रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन वहीं पहुंचता है जहां उसके फंक्शंस होते हैं, चाहे फंक्शन पे स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, क्यूब रूट लगाओ, इससे कोई मैटर नहीं है। तो यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो कहां पहुंच जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x upon 2x का होल स्क्वायर, और 4 into 2 क्या हो जाएगा 8, और ये वेलोन रिजल्ट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 8 into 1 स्क्वायर आंसर क्या आ गया 8। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंस टू 0 fx, इसको हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब
अब हम निकालने क्या जाएंगे, राइट हैंड लिमिट। तो आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट के लिए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लार्ज होती है किससे, उस पॉइंट से जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, और हम किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जीरो पे। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और रूल क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4। आपने क्या किया यहाँ पर, रेशनलाइज कर दिया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब देखिएगा लिमिट x टेंस टू जीरो अंडर रूट एक्स 16 प्लस अंडर रूट एक्स का होल अंडर रूट प्लस 4। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कैंसिल, अंडर रूट एक्स कैंसिल, एक्स की जगह जब हमने जीरो लगा दिया तो अंडर रूट 16 प्लस 0 प्लस 4, तो 4 का 16 का अंडर रूट 4, 4 प्लस 4 आंसर क्या आ गया 8। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। इक्वेशन सेकंड, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फंक्शन की वैल्यू और निकालनी है क्या होगी। तो मैं यहां से स्पेस बनाने के लिए, तो क्वेश्चन है ही है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए सो दैट एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट ए। तो यहां स्पेस बनाने के लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए। और क्योंकि x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड है तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। इसको ले लीजिए इक्वेशन थर्ड, और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सिंस fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx equals to fa, या फिर f0, limit x tends to 0 plus fx। क्योंकि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो कौन सी तीन चीजें बराबर होती है, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम क्या फाइंड कर चुके हैं, 8। 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a, और राइट हैंड लिमिट क्या फाइंड कर चुके हैं, 8। इसका मतलब कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी और a की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a equals to 8, यानी अगर फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस होगा तो a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 8 के इक्वल होगी। तो याद रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि x बराबर 0 रखने से, जहां जब यहां पर x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक लाइन बताई थी, CFLIR, यानी कि CFL से इंडिया को रोशन करो। तो वो ट्रिक ये कहती थी कि आप कॉमन ले सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, आप लिमिट के रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ये cos 2a का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a,
इस एंगल का आधा हो जाएगा, तो 4x का हाफ कितना हो गया 2x, और उसके बाद फिर हमने लिमिट के रिजल्ट का यूज करके लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x क्या होता है 1, हमने LHL की वैल्यू निकाल ली। और यहां पर हमने देखा कि फिर क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म में है, x की जगह 0 रखा तो 0, और नीचे 16 का अंडर रूट 4, 4 माइनस 4 0, तो फिर हमने क्या किया इसको रेशनलाइज कर दिया। तो आप कॉमन ले सकते हैं लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए, फैक्टर्स कर सकते हैं आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, आप रेशनलाइज कर सकते हैं, आप लिमिट के रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं, ऐसे करके आप लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एट लास्ट जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है जीरो पे, तो जीरो पे LHL, जीरो पे RHL और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू सब क्या कर देंगी, क्लैश कर जाएंगी, उससे ए की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो गई, 8 ऑब्टेंड हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन f0 सो दैट फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय दिस बिकम्स कंटिन्यूस एट x = 0। अब क्योंकि जीरो पे हमें इसकी कंटिन्यूटी जो है वो दे रखी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अब जीरो पे जीरो से पीछे कोई रूल दे नहीं रखा, x < 0 के लिए, x > 0 के लिए कोई रूल दे नहीं रखा। जब लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई रूल नहीं दे रखा, इसका मतलब कि जीरो के लिए LHL और RHL के लिए सेम फंक्शन है, और ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें मॉड इन्वॉल्व ना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व ना हो और LHL RHL के लिए सेम रूल हो, तो फिर आप LHL RHL ना निकाल के सिंपली लिमिट फाइंड करिए उस पॉइंट पे। तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x = 0, so limit x → 0 fx = f0, यानी फंक्शन की जीरो पे वैल्यू किसके इक्वल होगी, फंक्शन की लिमिट के इक्वल। अब फाइंड करते हैं फंक्शन की लिमिट, लिमिट x → 0 fx, हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, फंक्शन है हमारा 4x - 1³ डिवाइडेड बाई साइन x/4 लॉग 1 + x²/3। लिमिट x → 0 4x - 1 4 की पावर x - 1 साइन x/4 log 1 + x²/3। और रिजल्ट्स हमारे तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो रिजल्ट मैं आपको याद दिला देता हूं। एक तो लिमिट x → 0 a की पावर x - 1/x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, log a। लिमिट x → 0 x / sin x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1। और लिमिट x → 0 x / log 1 + x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। तो ये जो रिजल्ट्स हमें पता हैं, इनका चलिए हम यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर x का डिवाइड कर दिया, फिर x का डिवाइड किया, फिर x का डिवाइड किया, क्योंकि हमने x³ का डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ x का मल्टीप्लाई और x² का मल्टीप्लाई, x² और x³ हो गया, तो x³ से मल्टीप्लाई, x³ से डिवाइड, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर को कि साइन के साथ x/4 है, इसलिए 4 का डिवाइड, 4 का मल्टीप्लाई, सिमिलरली x² में किसका डिवाइड हो रहा है, 3 का, तो हमने 3 का कर दिया डिवाइड और 3 का कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये 4 और 3 कांस्टेंट हैं और इनका लिमिट से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि लिमिट तो रेस्ट्रिक्शन x पे है ना, और x पे रेस्ट्रिक्शन है तो उसका कांस्टेंट से कोई वास्ता नहीं है, तो आपने क्या किया, 4 × 3 = 12 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और जो ये रेस्ट्रिक्शन है वो उन सब फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है
जिनकी हम लिमिट निकालने जा रहे हैं, चाहे वो 5 फंक्शन हो, 6 हो, 7 हो, यानी आपने एक फंक्शन से अगर 1000 फंक्शन भी क्रिएट कर दिए तो ये रेस्ट्रिक्शन उन सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे सपोज कर लीजिएगा किसी पार्क पे ये लिखा हुआ है कि आप पार्क को गंदा ना करिए, तो वो रेस्ट्रिक्शन पार्क में एंटर होने वाले हर पर्सन पे जो है वो एक्टिव होगा। इसी तरह से अगर एक्स पर रेस्ट्रिक्शन है तो उसके सामने 5, 50, 5000 कितने भी फंक्शंस हों, वो रेस्ट्रिक्शन सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपने ये रेस्ट्रिक्शन कहां पर लगा दिया, 4x-1/x। फिर आपने ये रेस्ट्रिक्शन किस पे लगा दिया, 4x-1/x। फिर ये रेस्ट्रिक्शन आपने किस पे अप्लाई कर दिया, 4x-1/x। फिर आपने ये रेस्ट्रिक्शन किस पे अप्लाई कर दिया, x/4/sin x/4। फिर आपने ये रेस्ट्रिक्शन किस पे अप्लाई कर दिया, x²/3 log 1+x²/3। और आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या कहता है कि अगर इस टाइप की कोई लिमिट हो तो उसका आंसर क्या आता है, जो बेस है ना लॉग के साथ उसे कनेक्ट कर दो। यहाँ बेस क्या है, 4, तो लॉग के साथ आपने क्या कनेक्ट कर दिया, 4, और बेस होता है e। सिमिलरली log 4 टू द बेस e, log 4 टू द बेस e। लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन sin x क्या होता है, 1, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के। और लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन log 1 plus x, देखिए ये x है तो 1 plus ये x²/3 डिनोमिनेटर में भी, तो इसकी भी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो आंसर क्या आ गया, 12 log 4 टू द बेस e का क्यूब। तो जो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये हो गई 0 पे लिमिट। और 0 पे जो लिमिट है वही तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपका क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, फंक्शन x बराबर 0 पे, तो यही किसकी वैल्यू हो गई, f0। और हमें क्वेश्चन में करना क्या था, 0 पे ही तो फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 पे फंक्शन की वैल्यू हो गई 12 log 4 टू द बेस e का होल क्यूब। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अगर आप पिछले 10 इयर्स के पेपर्स को चेक करेंगे तो। चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, एक्स बराबर 0 पे। तो स्टार्टिंग किससे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, क्योंकि मैंने आपसे बताया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वेरिएबल स्मॉलर होता है उस कांस्टेंट से जिस पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो 0 ग्रेटर होगा x से। और कौन सा रूल वैलिड लग रहा है हमें फिर फंक्शन का, ये वाला रूल वैलिड लग रहा है, तो आपने फंक्शन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। और याद रखिएगा जब आप फंक्शन को चूज करके यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो माइनस साइन लगाने की नीड खत्म हो जाती है, साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। और रिजल्ट हमारा ये कहता है कि साइन के साथ जो एंगल है वही एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए। तो पहले तो आपने लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि जितने फंक्शंस होंगे लिमिट को आप उतनी बार लिख सकते हैं, यहां पर लिखा और यहां पर लिख दिया आपने साइन एक्स अपॉन एक्स। इसके बाद कमी किसकी है, ए प्लस वन की, तो ए प्लस वन का डिवाइड और a प्लस वन का मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब देखिएगा ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। तो ये जो कांस्टेंट है a प्लस वन बाहर शिफ्ट होगा, फिर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,
और वहाँ भी लिमिट की वैल्यू क्या है, 1। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी LHL की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, a प्लस 1 का 1 में इंटू करेंगे, a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, अब RHL फाइंड करते हैं जीरो पे। तो RHL एट x इक्वल्स टू 0, और क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए वेरिएबल लार्जर होता है उस पॉइंट से जिस पे हम लिमिट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यानी x इज लार्जर देन 0, तो फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। इसके लिए कौन सा फंक्शन एक्टिव होगा, ये वाला फंक्शन एक्टिव होगा RHL के लिए, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 इसी रूल में दिख रहा है। तो क्या हो गया आपका, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और फंक्शन हमारा क्या है, अंडर रूट x प्लस bx स्क्वायर माइनस अंडर रूट x अपॉन bx की पावर 3/2। अब हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू 0, ब्रैकेट के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचा, 1 प्लस bx, और x की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2, x की पावर 1 प्लस 1/2, x की पावर 1, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 कितना होता है, अंडर रूट x, तो इसको आप लिख सकते हैं x अंडर रूट x। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट x, बचेगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बी एक्स अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स कैंसिल। अब हम जब x की जगह 0 यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगी, और 0/0 फॉर्म आएगी तो फिर यहां पर आप रेशनलाइज कर सकते हैं, और लिमिट में आप न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। वैसे तो इन जनरल आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है, लेकिन लिमिट में अगर इरेशनल क्वांटिटी न्यूमरेटर में है तो आप उसे रेशनलाइज कर सकते हो अपनी लिमिट को फाइंड करने के लिए, bx, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इसका स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन बी एक्स, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, देन आफ्टर बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, फिर जब आप x की जगह 0 लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी इंटू 0 यानी 1 प्लस 1 2, यानी कि क्या आ गई वैल्यू राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये आ गई वैल्यू 1/2। अच्छा, x बराबर 0 पे कौन सा फंक्शन एक्टिव है, एट x equals to 0, f x equals to c, तो यानी कि आप x की जगह 0 लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, c, ये आ गई इक्वेशन थर्ड, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, और ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन तो आप लोगों ने दोस्तों माइंड में सेटल कर ही लिया है, तो आप क्वेश्चन में रफ करता हूं, हमें क्या करना था, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमारा फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, किस पे, 0 पे। तो सिंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे फंक्शन की वैल्यू, और 0 पे राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन जब हमारा फंक्शन है तो हमने ये देखा कि यहाँ पर b डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो b 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि b किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में, और अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी b 0 नहीं हो सकता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या है, a प्लस 2,
जीरो पे फंक्शन की वैल्यू सी और जीरो पे राइट हैंड लिमिट कितनी है 1/2। तो यहां से क्या आ गया कि a प्लस 2 इक्वल्स टू 1/2, तो a इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2 यानी माइनस 3/2। और अगर फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करने से a की वैल्यू आई, सेकंड और लास्ट को इक्वल करने से c की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू माइनस 3/2, क्योंकि b की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं जितनी कंडीशंस क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसका मतलब b कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि अगर b की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका जो x पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जीरो को आपको रिमूव करना है। तो a की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, और c 1/2 होगा जिसके लिए आपका दिया गया फंक्शन जो है वो जीरो पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है अगर आप पिछले 10 ईयर्स के एग्जाम पेपर चेक करें तो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस है पाई बाई टू पे, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल एच एल at x equals to pi by 2, indicating point पे function continuous है, तो सबसे पहले क्या find करते हैं, LHL, तो limit x tends to pi by 2 minus fx, क्योंकि pi by 2 left hand limit में क्या होता है, indicating point is larger than the variable, यानी pi by 2 larger होगा, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला रूल एक्टिव है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये वाला रूल एक्टिव है किसके लिए, LHL के लिए। तो आपने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू 1 - sin³x / 3 cos²x। आप चेक करेंगे जब x की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे तो साइन पाई बाई टू 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, नीचे cos पाई बाई टू 0 होता है तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का 3 में इनटू करेंगे 0। मैंने आपसे बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि अगर लिमिट की वैल्यू 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या कोई अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, कॉमन लेने के बारे में सोचना चाहिए, एलसीएम लेने के बारे में सोचना चाहिए, फैक्टर्स करने के बारे में सोचना चाहिए, आइडेंटिटीज का यूज करिए, वो चाहे अलजेब्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, और लिमिट के रिजल्ट का यूज करिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अप्लाई कर दिए फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लगा दीजिए, 1 - sin²x। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू 1 - sin x, हमने क्या किया, ऊपर एलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया, अब नीचे हम फैक्टर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 - sin x से 1 - sin x कैंसिल, अब 0/0 फॉर्म है नहीं तो वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, देखिएगा जरा पाई बाई टू रखते हैं तो 1 + sin π/2 प्लस sin²π/2 अपॉन 3 1 + sin π/2। अब साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1 - 3 1 + 1 1 + 1 + 1 3 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें पाई बाई टू पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो आर एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लिमिट लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स और पाई बाई टू प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, वेरिएबल उस इंडिकेटिंग पॉइंट से लार्जर होता है। तो कौन सा रूल लगेगा राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला रूल वर्क करेगा, आर एच एल राइट हैंड लिमिट के लिए। तो हमने ये अप्लाई कर दिया यहां पर, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू बी वन माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, और आप चेक करिएगा कौन सी फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म। और यहां पर लिमिट्स फाइंड करने के जो भी मेथड्स हैं कॉमन आप ले नहीं पाओगे, एलसीएम आएगा नहीं क्योंकि एक ही फ्रैक्शन है, आइडेंटिटी का यूज हो नहीं पाएगी ना एलजेब्रा का और ना फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का, फैक्टर्स आप कर नहीं पा रहे हो, रिजल्ट का लिमिट का किसी का यूज नहीं होगा। जब सारी बेसिक बातें जो हमने पढ़ी हैं कि वो चाहे रेशनलाइजेशन करना हो, एलसीएम लेना हो, कॉमन लेना हो या आइडेंटिटी का यूज करना हो, सारे प्रोसेस फेल होते हैं, तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन का यूज करना है। और डेफिनेशन क्या होती है राइट हैंड की, एक्स की जगह क्या लगा दो, ए प्लस एच, ए माने जिस पॉइंट पे आप लिमिट ऑब्टेंड कर रहे हो ये आप फाइंड कर दीजिए। और क्योंकि एक्स टेंस टू पाई बाई टू है और x की जगह आपने क्या लगा दिया, पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, तो s टेंस टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो s टेंस टू 0 बी 1 माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू, x की जगह क्या लगा दिया आपने, पाई बाई टू प्लस एच का होल स्क्वायर। तो b तो कांस्टेंट है, शिफ्ट कर लीजिए बाहर, साइन 90 प्लस थीटा, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो यानी साइन के जो से साइन जो कनेक्टेड है उसे एज इट इज रहने दीजिएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। 90 कहता है चेंज करो, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये आ गया कॉस एच। और नीचे ये पाई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, पाई से माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2h बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4h स्क्वायर। तो b by 4 लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस, अब क्योंकि फिर 0/0 की फॉर्म होगी तो अब हमें फिर कुछ करना है, अब आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन तो आपने अपने माइंड में सेटल ही कर लिया है कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई बाई टू पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। बस एक चीज और देख लेते हैं कि 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, यहां पर देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 fx is a, x बराबर 0 पे, x equals to pi by 2 पे fx किसके इक्वल है, a के इक्वल है, यानी हम x की जगह जब pi by 2 लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, a। हमने इसको ले ली इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्वेश्चन को रफ करता हूं क्योंकि क्वेश्चन आपके माइंड में सेट है कि pi by 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है जिससे कि फंक्शन a और b की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन हमारा पाई बाई टू पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब क्या आ गया, ये b बाई फोर, टू ये बाहर आपने शिफ्ट कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन h बाई टू बाई एच का होल स्क्वायर। अब अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो साइन h बाई टू है तो नीचे 2 का डिवाइड करना पड़ेगा h में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये हो गया 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल b बाई टू, और ये 2 आप बाहर ले लीजिए
तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और लिमिट को आप क्या करना है फिर ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट कर लेना, क्योंकि लिमिट जो है एक रेस्ट्रिक्शन है, वो वहीं पर जाती है जहां उसके फंक्शन मौजूद होते हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस फंक्शन पे स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग रहा है, स्क्वायर रूट लग रहा है, क्यूब रूट लग रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, b/8, और ये वेल नोन रिजल्ट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, b/8। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ये क्या थी हमारी, 0 पे राइट हैंड लिमिट, और क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो π/2 पे LHL, π/2 पे फंक्शन की वैल्यू और π/2 पे राइट हैंड लिमिट सब आपस में क्या कर जाएंगी, क्लैश कर जाएंगी। LHL क्या है, LHL की वैल्यू हमने निकाली π/2 पे कितनी है, 1/2। π/2 पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन सेकंड से a के इक्वल, और राइट हैंड लिमिट क्या है, b/8। तो अगर फर्स्ट और सेकंड लिंक को सेम करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और फर्स्ट को लास्ट के इक्वल करेंगे तो 1/2 इक्वल्स टू b/8, 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसका मतलब अगर हमारा फंक्शन π/2 पे कंटीन्यूअस होगा तो a मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 एंड b मस्ट बी इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि कंटिन्यूटी पे बेस्ड है और आ चुका है बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 ईयर्स की अगर आप क्वेश्चन पेपर चेक करें तो। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए वी की वैल्यू इन्वेस्टिगेट करनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 4, लिमिट एक्स टेंस टू 4 माइनस क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में कांस्टेंट लार्जर होता है वेरिएबल से, तो 4 इज ग्रेटर देन x वाला रूल होगा, और ये वाला रूल तो ये है, तो ये किसके लिए यूज होगा, LHL के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस a, यहां से x माइनस 4 क्या हो जाएगा, लेसर देन 0, और मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव है तो मॉड को रिमूव करने पे क्या करना पड़ता है, नेगेटिव साइन ही लगाना पड़ता है। तो आपने क्या किया, नेगेटिव साइन अप्लाई करके, क्योंकि x माइनस 4 नेगेटिव है, टिट फॉर टैट होता है मॉड, जैसा साइन जो है वो अंदर वाले एक्सप्रेशन का होता है मॉड को रिमूव करके वैसा ही साइन आपको लगा देना होता है। ये 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस a, रेस्ट्रिक्शन किस पे है, x पे, x है ही नहीं तो फिर रेस्ट्रिक्शन भी हट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, माइनस 1 प्लस a किसकी वैल्यू, 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 4, सो RHL at x equals to 4, limit x tends to 4 plus fx, क्योंकि RHL के लिए क्या होता है, x is greater than 4, यानी x minus 4 क्या होगा, positive होगा। चलिए तो x अगर greater than 4 होगा तो कौन सा रूल RHL के लिए वैलिड होगा, ये वाला रूल किसके लिए वैलिड हो गया, RHL के लिए। तो limit x tends to 4 x minus 4 upon mod x minus 4 plus b, क्योंकि x minus 4 पॉजिटिव है और यहां पर क्या होता है, tit for tat। तो आपने क्या किया, मॉड साइन को हटा के क्या लगा दिया, प्लस साइन, ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, यहां पर 4 ही आएगा, वो गलती से 0 हो गया है क्योंकि लिमिट तो हम 4 पे ही फाइंड कर रहे हैं।
अब x तो है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस b, किसकी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx, ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब 4 पे कौन सा फंक्शन वैलिड है, एट x इक्वल टू 4 fx इज a प्लस b, तो x की जगह 4 लगा दिया, आंसर क्या आ गया, a प्लस b, इक्वेशन थर्ड। अब लिमिट, क्योंकि फंक्शन हमारा 4 पे कंटिन्यूअस है, तो 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 4 पे राइट हैंड लिमिट, और 4 पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। अब 4 पे LHL क्या आ रहा है, 4 पे LHL आ रहा है -1 प्लस a, RHL 1 प्लस b, और 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, a प्लस b। अब फर्स्ट और लास्ट रिलेशन को अगर इक्वेट करेंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी, -1। और अगर सेकंड और लास्ट रिलेशन को इक्वेट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहां से क्या आ गया, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, यानी अगर हमारा फंक्शन 4 पे कंटीन्यूअस होगा, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 होगी। यहां तक दोस्तों, लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली 12th क्लास की वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, तो आप जो है वो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आई हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और क्लास 12th का आपका सिलेबस कवर होता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी जो है वीडियोस को शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट जो क्लास 12th के हैं उनको इससे फायदा हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।